सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम फिलहाल जारी है। इस घटनाक्रम ने पंजाब की अमन कानून की स्थिति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जिसके चलते पंजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की, कत्ल की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। इससे पहले गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आया था। गोल्डी बराड़ का नाम अब भी चर्चा में है, लेकिन एक पंजाब का गोल्डी बराड़ इस मामले में सोशल मीडिया पर आ चुका है। उसका कहना है कि मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा गांव जंडवाला है, जो पंजाब के जलालाबाद व डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में पड़ता है। आज से 13-14 दिन पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्टर डाला था, सॉन्ग था द लास्ट राइड। उसमें एक गाड़ी दिखाई गई थी काले रंग की, जिसके टायर पंक्चर थे और उसको पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा दी गई थी। उसके ऊपर भी हमला हुआ था और कल यानी 29 मई को बिल्कुल ऐसा ही दृश्य सामने आया। काली गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला सवार थे, उनके दो मित्र थे उसमें, साथी थे, सहयोगी थे, और घर से सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के निकले। लेकिन सिद्धू मूसेवाला बिना अंगरक्षकों के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के अपनी थार गाड़ी में निकले थे। इसी के चलते उनके ऊपर हमला हुआ, कई गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है, लेकिन एक ऐसी खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया, पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ। इसी के चलते ही बड़े खुलासे हुए, सबकी नज़रें इसी खबर के ऊपर बनी हुई हैं कि क्या कारण रहे कि एकदम से एक पंजाबी नामी सिंगर को मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार सबकी नज़रें टिकी हुई हैं पंजाब के ऊपर और पंजाब सरकार इस मामले की गहराई से जांच करती हुई नजर आ रही है। पंजाब के DGP की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। और आरोपियों की बात की जाए तो आरोपी जो कथित आरोपी एक ढाबे के ऊपर देखे गए हैं। CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा जिन गाड़ियों में सवार होकर हमलावर आए थे, उन गाड़ियों की शिनाख्त भी हो चुकी है। गाड़ियां CCTV फुटेज में सामने आ चुकी हैं और साथ ही एक ऑल्टो गाड़ी जिसे छीनकर हमलावर भागे थे, उसको भी बरामद किया गया है। वो गाड़ी पंजाब के मोगा के पास से बरामद की गई है। फॉरेंसिक टीम सहित अन्य टीमें उस गाड़ी की जांच में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला काफ़ी फेमस सिंगर था, हर बच्चा हर जवान उसके गीत सुनता था, तो इसी के चलते अचानक से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम फिलहाल जारी है। इससे पहले परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत नहीं हुआ था, जिसके बाद परिवार की सहमति हुई और अब 5 डॉक्टर सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने गायकी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, गीतकार था, अदाकार था, फिल्म भी आई थी मूसा जट। इसी के चलते काफ़ी सुर्खियों में आ चुका था सिद्धू मूसेवाला और साथ ही राजनीतिक करियर भी शुरू कर चुका था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हुआ था और साथ ही मानसा विधानसभा क्षेत्र से उसने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार हुई थी। इसके बदले डॉक्टर विजय सिंगला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 1,00,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और सिद्धू मूसेवाला को 63,000 के करीब वोट पड़े थे। और जब डॉक्टर विजय सिंगला
कमीशन मांगने के चक्कर में फंसे उनको बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया, तब भी सिद्धू मूसेवाला ने ट्वीट किया था। सिद्धू मूसेवाला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमले में उनके दो साथी भी मौजूद थे जो समय गाड़ी में बैठे हुए थे। यह भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी दी गई थी, उन्हें कमांडो दिए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने, यानी एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी में कटौती की थी। उनके पास केवल दो गनमैन यानी अंगरक्षक ही रहे थे। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला काफ़ी फेमस था, देश विदेश में उसके गीतों को सुना जाता था, काफ़ी फेमस गीत हुए थे और अक्सर कहा जाता था कि जो चलते हुए मुद्दे होते हैं उनके ऊपर सिद्धू मूसेवाला गीतकारी करता है। और साथ ही जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, सिद्धू मूसेवाला की हार हुई थी, तब भी उन्होंने गद्दार के नाम से एक सॉन्ग गाया था, गीत गाया था। तो आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की, कत्ल की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। इससे पहले गोल्डी बराड़ का नाम भी सामने आया था। गोल्डी बराड़ का नाम अब भी चर्चा में है, लेकिन एक पंजाब का गोल्डी बराड़ इस मामले में सोशल मीडिया पर आ चुका है। उसका कहना है कि मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा गाँव जंडवाला है जो पंजाब के जलालाबाद व डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में पड़ता है। उसने सरकार से यह भी कहा था कि जो भी मेरी इन तस्वीरों को मेरे नाम से नशर कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार सिद्धू मूसेवाला का कल होगा। उनके घर पर उनके प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक और पुलिस बल मानसा के सिविल अस्पताल के बाहर तैनात है, जहां पर सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हो रहा है, और दूसरी ओर उनके गांव मूसा में भी बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। लेकिन इस घटनाक्रम ने पंजाब की अमन कानून की स्थिति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जिसके चलते पंजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। पंजाब में हुई वारदातों की बात की जाए तो पंजाब में वारदातें उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया को गोली मारी गई, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद पटियाला में दो संगठनों के बीच काफ़ी झड़प हुई। ऐसी कई वारदातें हुई जिसके बाद काफ़ी माहौल गर्म हो गया था। और इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी तो दीप सिद्धू नामी एक्टर थे, किसान मोर्चे में, किसान मोर्चे में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था, उनकी भी मृत्यु हुई थी। एक हादसा हुआ जिसके चलते अचानक से उनकी जान चली गई, और उन्होंने भी पोस्ट डाली थी कि मेरा कभी भी कहीं पर भी मौत के साथ सामना हो सकता है, कहीं भी मेरा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी प्रकार बात की जाए सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला ने भी आज से 13-14 दिन पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्टर डाला था। सॉन्ग था द लास्ट राइड। उसमें एक गाड़ी दिखाई गई थी काले रंग की, जिसके टायर पंक्चर थे और उसको पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा दी गई थी, उसके ऊपर भी हमला हुआ था। और कल यानी 29 मई को बिल्कुल ऐसा ही दृश्य सामने आया। काली गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला सवार थे, उनके दो मित्र थे उसमें, साथी थे, सहयोगी थे, और घर से सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के निकले। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, और साथ ही उनको दो अंग रक्षक भी दिए गए हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला बिना अंग रक्षकों के, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के अपनी थार गाड़ी में निकले थे। इसी के चलते उनके ऊपर हमला हुआ, कई गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई। उनके दो साथी हैं जो घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है, और अब पुलिस को पूरा इंतज़ार है कि वही आरोपियों की पहचान कर सकते हैं, हमलावरों की पहचान कर सकते हैं। और उनके बारे में भी जानकारी यह है कि इतनी उनके ऊपर भी गोलियाँ बरसाई गई कि उनकी हड्डियाँ तक अंदर से टूट चुकी हैं,
काफ़ी बड़ा हमला था, 7 या 8 के करीब हमलावर थे, 2 गाड़ियों में आए थे, जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और सिद्धू मूसेवाला के घर से यानी मूसा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है जवाहर के, वहां पर ये हमला हुआ, अचानक हमला हुआ, कल की घटना है, लेकिन पूरी तरह से सबको चिंता में डाल दिया है। और साथ ही बड़े सवाल पंजाब सरकार के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि 434 बड़ी दिग्गज हस्तियों की सिक्योरिटी में कटौती की गई थी, इसमें श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। ब्यास के डेरा मुखी की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। इसके अलावा बड़े दिग्गज नामी चेहरे थे जो सियासत से भी अपना मेलजोल रखते हैं, इसके अलावा पुलिस के अधिकारी थे जिनकी सुरक्षा छतरी को कम किया गया था, तो इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। हालांकि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजीपी पंजाब ने, तो उन्होंने कहा था कि जो पंजाब में घल्लू खारा दिवस मनाया जाता है उसके चलते हर साल अमन कानून की स्थिति को सही रखने के लिए ही सुरक्षा में कटौती की जाती है, लेकिन सुरक्षा में की गई कटौती सिद्धू मूसेवाला को भारी पड़ी, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। तो इसी के चलते जितने भी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनके गांव में पहुंचे हुए हैं। और साथ ही जो विपक्षियों की बात की जाए तो उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को घेरा है और साथ ही इस्तीफे की मांग की है और इसे पंजाब सरकार का फेलोर बताया है। राजा बड़िंग हैं जो पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं पंजाब के और अब मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ हुआ इसके चलते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा पूर्व सांसद और अब मौजूदा विधायक पंजाब के, उन्होंने कहा है कि भगवंत सिंह मान इस्तीफा दें। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के जो नेता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि इस कत्ल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व राघव चड्ढा जिम्मेदार हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, गाड़ी भी एक बरामद की गई है, गाड़ी वो अल्टो जिसे छीनकर हमलावर फरार हुए थे, उस गाड़ी की जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीमें भी मौजूद हैं, पूरी तरह से सबूत जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि सिद्धू मूसेवाला, जिसकी पंजाब के साथ साथ देश दुनिया में पूरी पहचान थी, पंजाबी गीतों के जरिए अपने गीत गाकर उसने पूरी पहचान बनाई थी देश दुनिया में, पंजाब का अपने गांव का नाम चमकाया था, लेकिन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। फिलहाल देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार जांच करती है, जांच करवाती है और पुलिस किस प्रकार आरोपियों को गिरफ्तार करती है, उन तक पहुंचने की कोशिश करती है, समय बताएगा। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपके रूबरू होते रहेंगे। खुलासा न्यूज़ का मैं फिलहाल इतना ही, मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दें इजाज़त, धन्यवाद।